आप सबका स्वागत है क्रिप्टो ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज थोड़ा सा उधर बैठ जाओ। प्लीज आप लोग हमारा ब्लॉग देख के ऐसे रोज का बस मैं खड़े करके कुछ फिर तो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और आप लोग को अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो फिर आज मैं ऐसे बैठी थी। काफ़ी सुबह से थोड़ा सा अजीब सा मेरे को हो रहा था, तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया और शूट करने का मन भी नहीं करता है। वो हर एक लेडीज समझ सकती है, जब अंदर से आत्मा ना सही हो ना तो फिर कुछ करने का मन नहीं कर सकता। बस एक लेडी समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। सही कह रहे हैं कि नहीं? किसको रही हूँ, लेडीज लोग देख रही हैं। लेडीज लोग ही देख रही होंगी ना, और लेडी लोग को ही बोल रही। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि आदमियों को लगता है कि अरे ये तो रोज का इसका नाटक है, क्योंकि आदमी को कभी दुख आता नहीं है, तो इसलिए वो किसी का दुख कभी नहीं समझेंगे। एक दिन अगर इंसान थोड़ा सा दुख में होता है तो कितना ज्यादा इंसान थक जाता है, और यहाँ पे तो पता नहीं क्या हाल है। आदमी सोचते हैं औरतें हमेशा मजबूत रहती हैं, औरतें भी कभी कभी अंदर से टूट जाती हैं, लेकिन क्या करें, शादी के बाद वो अपना हर फर्ज निभाती हैं, चाहे वो टूट जाए चाहे वो कुछ भी हो जाए। कुछ भी सहने की कभी भी क्षमता नहीं थी, हमेशा जिंदगी अच्छे से जिए थे तो फिर ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरे लिए आसान है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि हाँ सब कुछ कितना कठिन होता है, कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, बहुत आसान पड़ जाएंगे। मेरे पति तो कभी सेवा नहीं करते हैं, बस कल रिंगवा कहाँ बस, चाय कहाँ बस, पानी कहाँ बस, बस लिया लिया है, मुहे तो लगाए रैंक के कोल्डिंग का पैसा देना है, बता ना। तो गाइस ऐसे ही मैं यहाँ से आप लोगों के लिए छोटी सी मोटी बातें हो तो हर घर की कहानी, घर घर की कहानी होती है, नहीं सोचो। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया चीज लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे चूड़ा आ गए थे और मैंने बहुत सारे चूड़ा सबको दे भी दिया है, तो अभी मेरे बहुत सारे चूड़ा बेड के अंदर गया है हमारा बेड, तो अभी जो बेड नहीं है ये गद्दे वजन हो गए, बेड भी वजन नहीं है, बेड थोड़ा लोग उठाओगी गद्दे उठाओगी ना। हाँ तो जो भी है तो वजन तो है ही, और उसके बाद जो लगा है वायर ना तो वहाँ से उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, निकलता नहीं है। तो अभी जितना भी मेरे पास चूड़ा है, तो आज मैं आप लोगों को अपना चूड़ा कलेक्शन दिखाती हूँ, कुछ नया दिखाती हूँ और जो भी अच्छा लगेगा। तो अभी बहुत सारे इसमें से जो है कि अभी मैंने इसका वीडियोज़ भी नहीं बनाया है, और बहुत सारे हैं जो कि मैंने इसका वीडियो बनाया है, और इसके चूड़ा कलेक्शन मैंने अभी तक नहीं लाया है आप लोगों के लिए। पहली बार मैं अपने ब्लॉग चैनल पर चूड़ा कलेक्शन की वीडियो बनाने जा रही हूँ। अच्छे से हिलाओ मत सोनाक्षी, क्योंकि हिलाती बहुत हो। और इसके बाद मैं सबसे पहले चलती हूँ आप लोगों को, आप लोग पहले सोनाक्षी ऐसे करके दिखा दो, देखो कितना चूड़ा है। 1, 2, 3, 4, 5 इसको भी खोल ही देते हैं। एक चूड़ा मैंने मम्मी को भी दिए हैं। 5, 6, 7 डिब्बा तो है, इसको भी गिनने। और 8 वाला ज्यादा सही है जी, जय जोंकर का सारे पेड़ पानी डालो। हां तो गाइस, और इसमें भी बहुत सारे चूड़े हैं आप लोगों को दिखा दिए। ये सबसे पहले मैं आपको अपने शादी का चूड़ा दिखाती हूँ। ये हमारे शादी का चूड़ा है जो कि इतना गंदा हो गया है, रखे रखे गंदा हो गया है। और शादी का कुछ और था, कुछ नया चलता है। इसमें देखिए कुछ ये हमारे चूड़े हैं, आप लोग ये देखिए कितने हैं, मतलब अब ये ना बहुत मेरे सगाई में चढ़ा था, वंदना दी ने खरीदा था, लोकल खरीदा था ये वंदना दी। दिल्ली में चूड़े का डिमांड नहीं है जी, यहाँ पर नहीं मिलता चूड़े का डिमांड नहीं। ये चीज ये मेकअप बॉक्स का डब्बा जो लोकल, यहाँ कोई ऐसा मेकअप, ये मैं नहीं खरीदी थी, आप ही खरीदी, ये मेरी जेठान खरीदी थी, मैं दूसरा साल मेरा वो वाला था जो ऊंचा वाला था, एक हाँ जो लाल कलर का था, वो तो मेरे को मिला ही नहीं है आज तक, ये हम तो यहाँ से गए थे। तो गाइस वंदना दी बोली मैंने नहीं खरीदा था, ये देखो कैसा कैसा हो गया है। अच्छा मुझे नहीं पता था कौन खरीदा था, मुझे लगा कि सब कुछ सगाई से लेकर शादी तक सब कुछ शॉपिंग दिल्ली से हुआ था, तो मेरे को लगा ये भी शॉपिंग वहीं से हुआ होगा। ये देखो चूड़ा है जो कि इसमें से मेरे को एक भी चूड़ा, ये चूड़ी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, ये चूड़ा ये भी देखो ये वाला, ये भी चूड़ा मुझे सबसे पहला चूड़ा ही यही आया था, ये बहुत तेज चला इससे तो फेमस हो गई थी। नहीं ये वाला चूड़ा हमने बनवाया था शादी में जो कि नाम का है, ये देखो मैंने बनवाया था, ये भी तो भी नाम का है। इधर चाचा मसी का फोटो लगा है, इधर अमित लिखा है, और इधर किट्टो। ये मैं जब मैं शादी में तो हमने किसी का नहीं दिखा था, मेरा ख्वाहिश था कि मैं इस पे नाम लिखवा करके चूड़ा पहनूं, जहाँ भी जाऊँ तो लोग हमको जाने कि मैं अमित की वाइफ हूँ। और इसके बाद मैंने ये देखो ये वाला बनवाया था चूड़ा, ये मुझे इंस्टाग्राम के पेज से आया था, जो कि अभी भी इतना ख़राब नहीं लगता है, पहना करूँ। इसमें देखिए कस्टमाइज्ड सब मैं दिखा रही हूँ आप, और मम्मी इधर देख रही है, मम्मी वो बस देख ही सकते हैं। हाँ ये सारे चूड़े हैं, तो आप लोग इसमें से बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। वंदना दी आपको कोई अच्छा लग रहा है? हमें तो भाई चूड़ा सुहाग का चीज सब अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी साइनिंग चली गई है, साइनिंग क्या है, तो कोज का कपड़ा चमक जाए, ये
सब तो पता नहीं किसने खरीद रखा था, मैंने आज तक अपने हाथ में नहीं डाला है। अब यही जो चलता था पढ़ा है और क्या। नहीं, बहुत सारे चूड़े जो इसमें नए हैं मैंने पहना ही नहीं है, और किसी को अब क्या दे चूड़ा इसमें। ये पहला था, इसको एक्साइट। और इसका ये वाला आप लोग देख सकते हैं कितना सारा बैंगल्स है, इसको बैंगल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कलर हैं, और इसमें कितना कलर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हैं। जितनी साड़ी रहे 24 कलर के हैं, साड़ी भी पता नहीं कितनी, किसी सब जाने 24 को। इसको अच्छा, तो इसको देखिए 24 कलर के हैं, जो कि इसमें से कोई भी, ये भी बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है सोनाक्षी, कमेंट तुम भी बोलते जाओ। अच्छा तो लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है जी मेरा चूड़ी उड़ी। इधर देखिए, थोड़ा आप अच्छे से थोड़ा बोलते जाइए ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सोनाक्षी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, और थोड़ा सा मेरा सांस खुलने। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, और आते ही देख रहा हूँ कि एक से बढ़ के एक कलेक्शन। ऐसा लग रहा है कि हम किसी मेले में आ गए हैं। और भाई साहब, जब मैं मेलों में जाता था ना, तब ऐसे बढ़िया बढ़िया रंगी रंगीन सी क्या बोलते हैं इसको, ऋषभ चूड़ियाँ हाँ, अरे तेताली गंदा करेगा। तो किट्टो का लेटेस्ट चूड़ा कलेक्शन आज देखने को मिल रहा है, चूड़ी कलेक्शन देखने को मिल रहा है। भाई साहब ये इतने कलरफुल चूड़ियाँ हैं, मुझे लग रहा है ये किट्टो 10 साल तक पहनेगी, उसके बाद हमारे हमारे जो लड़का होगा या लड़की होगी तो वो सब भी पहन लेंगे इसको। सोनाक्षी पहन लेगी तब तक बड़ी होके, तुम्हारी बीवी भी को पहन। अच्छा इनकी बीवी, ये तो अपने चक्कर पहले लग गया। हमारी बीवी को चढ़ा देंगे इस, इससे फाड़ो ताकत, ऐसे मत लगाओ ताकत। और क्या, अभी से ले जाओ बीबी। अभी उसे भी किटो भी सबको भिजवाई थी, बुआ भिजवाई थी, अपने सहेली को दी थी। अभी साजिया पड़ा हुआ है, अभी गया ही नहीं है, उसे रखा हुआ। अभी अभी लेके चले जाओ अपने बीबी के लिए, बता दे। अरे जब आएगी तब तक रखे रहना। अरे सबसे तो बहुत, अभी एक सौरभ की बीबी को भी देना है हमें। ऋषभ हेलो लीली, इधर चलो। अच्छा इसमें इसमें ये थोड़ा सा ये प्लेन में है, और ये थोड़ा सा इसमें चमकीला पदार्थ लगा हुआ है। ऋषभ चमकीला पदार्थ, ऋषभ मुछी मारेगी। बड़ा साइज में छोटा नहीं कर दिया। स्टोर वाला है, स्टोर वाला है, बेड के अंदर बहुत सारे हैं। अभी जो बाहर है वो दिखा दो, ये बना, ये पहन चुकी हो? हाँ ये बना चुके हैं। अभी फोटो वाला इसलिए किसी को नहीं देने का दिल करता है कि लोग बोलेंगे हम तुम्हारे फोटो वाला थोड़ी नहीं दोगी। अब नाम का फोटो क्यों हम लेकर चले, फोटो वाला किसी को थोड़ी नहीं दोगी। फोटो वाला जो तुम्हारा वही पहनोगे। बहुत सुंदर, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। एक मुझे और तुम्हारा चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जाती हो 8,000 रुपए का चूड़ा तुम्हारा मुझे ना और अच्छा लगता था, बगैर फोटो वाला था वो दिख नहीं रहा, किसी को दे दी तुम। हाँ वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता था, इसी कलर में था। और ये अभी मुझे वीडियो बनाना है, इसका बना चुकी, जो पहनी नहीं थी फोटो नहीं बनाया अभी। कौन सा खोली हो? नहीं दिख रहा है, नहीं बना चुके हैं इसको। अब कौन खोलूंगा? नहीं ये नहीं बनाया जी, अभी कोई एक खोली है बोला, इस पे लिखा है पता ही नहीं बनाई है कि नहीं बनाई है। ये बना चुके हैं, अभी को कौन सा निकाली है? ये सर सोनाक्षी ली वाला निकाली हो क्या? हाँ यही वाला है। ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें भी मिसिंग है क्या जी? सेम तो है, सेम। अच्छा ये एक हाथ का ही है, एक हाथ का ही है, एक नहीं बनाया है इसमें। अच्छा इसमें से निकाले, एक उधर से निकाले। एक ये है जो चूड़ा, जो कि ये भी हमारा कस्टमाइज ही है, तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, कलर भी है। और आजकल तो आप सबको पता है कि क्या मौसम चल रहा है, चूड़े वगैरह का ही चल रहा है। और ये अभी न्यू आया है, मैं इधर बैठ जाता हूँ, लाइट इधर से उल्टा वो पड़ रहा है ना, जिससे चमक उधर रहा है, इधर से क्लियर आएगी वीडियो। एक ये चूड़ा है, देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, सेम है। अभी ये वाला बनाना है, रिसेंटली में आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मल्टी कलर में है, तो इसके साथ ये किनारे किनारे कंगन में लगाने पड़ेगा।
ये कलेक्शन मेरा जितना भी कलेक्शन दिखा रहे गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसका पैकिंग बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये तो ऐसे ही नॉर्मली ये मैंने ये देखो ऐसे करके पहनते हैं कुछ ये हैं। तो बहुत सारे चूड़े हैं अभी जो कि पेट के अंदर है तो मैं अभी निकाल नहीं सकती हूँ अभी। अगर आज इसमें सबसे अच्छा कलेक्शन कौन सा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और तो है नहीं अभी इसमें ज्वेलरी है तो भी जो मैंने नया नया ज्वेलरी मेरे पास आया है तो मैं सोच रही थी कि कल ज्वेलरी कलेक्शन बनाऊँ सारा ज्वेलरी निकाल करके आप लोगों को दिखाऊँ एक एक करके कि मेरे पास कितना सारा ज्वेलरी आया है। तो हो सके तो कल मेरा ज्वेलरी वाला है, आज का चूड़ा का है और बहुत सारे हमारे पास इयर रिंग्स हैं, गले का सेट है और तो मैंने बहुत सारा गाँव में रखा है लेकिन मैं अपना सारा उठा करके लेकर यहाँ पे आऊँगी कभी मुझे तुझे रहना तो दिल्ली में है तो ज़रूरत मुझे यहीं पड़ती है। दिशा मेरा हेल्प बहुत करता है ना। कहीं आज स्कूल नहीं गया। यही रहा हमारा चूड़ा कलेक्शन और ये रही हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो आप ये वाला नहीं दिखाई दे सब दिखा दिए चूड़ा और बहुत सारे चूड़ा पेट के अंदर गाइस कितनी बार बताए हैं अच्छा नहीं लग रहा है बोलना। और एक देखो पर्स आया था जो कि सुबह वाले ब्लॉग में दिखाए थे क्या हमने पूरा कलेक्शन का वीडियो आज मुझे अब अभी पर्स भी मेरे पास बहुत है अभी इसका भी अगर कलेक्शन दिखाएंगे ज्यादा हो जाएगा तो अभी तो है नहीं ज्यादा अभी है 5-6 है ना तुमको दिए नहीं थे तो गाइस यही रही हमारी आज यहीं तक की वीडियो। पसंद आएगी तो बताइएगा कमेंट करके कौन सा सबसे अच्छा लगा है। ये सेम है क्योंकि हमने आपको पूरा नहीं दिखाया इसको खोल करके अभी देख लीजिए एक ही तो क्या दिखाएं एक बार ऐसे करके दिखा दो पूरा काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और बहुत एक से बढ़कर एक। आप लोग को सबसे बढ़िया कौन सा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर।